सबसे पहले आपको बताते हैं, अडियाला जेल में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात का मामला। अदालत की मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर से वकला की मुलाकात कराने की हिदायत। हुक्मनामे में यह लिखा गया है कि मुलजिम इस वक्त अदालती नहीं रावलपिंडी पुलिस की तहवील में है। तो आपको अपडेट करें, अडियाला जेल में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात का ये मामला है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे यासिर हकीम ने हमें ज्वाइन किया है। यासिर, तफसील क्या है? देखिए बिल्कुल, ये बानी पीटीआई की वकला ने इंसदादे दहशत गर्दी रावलपिंडी में मुलाकात के लिए एक दरख्वास्त दी थी, जिस पर फाजल अदालत ने इनकी फौरी मुलाकात कराने के अहकाम जारी किए। फाजल अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को हदायत जारी की और बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी अदालती अहकाम लेकर अडियाला जेल रवाना हुए। अदालत ने चार वकला को मुलाकात की इजाजत दी और अपने हुक्मनामा में कहा है कि मुलजम इस वक्त अदालती तहवील में नहीं रावलपिंडी पुलिस की तहवील में है। वकला मुलजम का हालिया जिस्मानी रिमांड चैलेंज करना चाहते हैं, लिहाजा तफ्तीशी अफीसर से इनकी मुलाकात करवाई जाए और तफ्तीशी अफीसर से राबता के लिए सुपरिटेंडेंट जेल को हदायत किया कि वो थाना न्यू के टाउन के तफ्तीशी अफीसर तक इन चारों वकला को रसाई फराम करें। मुलाकात के अहकाम लेकर वकला जो है वो अडियाला जेल रवाना हो चुके हैं और मुमकिन तौर पर वापस थोड़ी देर बाद अडियाला जेल पहुंचेंगे। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए।